नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन में। उम्मीद एवं कामना करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हीकल RC में मोबाइल नंबर को आप किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, चेंज या फिर अपडेट कर सकते हैं। साथियों, इसको आप ऑनलाइन घर बैठे अपने स्मार्टफोन की मदद से कभी भी अपनी RC में मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। या फिर आपने अभी तक मोबाइल नंबर को RC में रजिस्टर नहीं कराया है तो आप उसमें आसानी से रजिस्टर करा सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको रजिस्टर क्यों कराना होता है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं। साथियों, जैसा कि अगर आपकी RC कहीं खो जाती है या चोरी हो जाती है तो आपको मोबाइल नंबर के थ्रू उसकी जो अपडेट होती है उसको फाइंड करने में बहुत मदद मिलती है। आप उसको आसानी से दोबारा से उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर RTO के माध्यम से आप उसमें जो है उसकी इंफॉर्मेशन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका कहीं ट्रैफिक चालान कट जाता है या फिर कोई ऑनलाइन चालान कट जाता है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन, उसका जो नोटिफिकेशन है, आपके मोबाइल पर मिल जाता है। इसके अलावा अगर दोस्तों आप अपने RC में कभी कोई करेक्शन करते हैं, कोई अपडेट करते हैं तो उसमें भी आपको मोबाइल नंबर काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं कि आप इसको ऑनलाइन घर बैठे कैसे स्मार्टफोन से अपने जो RC है उसमें अपना मोबाइल नंबर को चेंज करेंगे या फिर अपडेट करेंगे या फिर नया मोबाइल नंबर को कैसे आप रजिस्टर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये साथियों, आप अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे आपको mparivahan.gov वाली इस वेबसाइट को सर्च कर लेंगे। इसको सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने होगा। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको एक सर्विसेज देखने को मिल जाएगी, व्हीकल रजिस्ट्रेशन। ये जो आपको व्हीकल रजिस्ट्रेशन वाली टैब दिखाई दे रही है, यहीं पे आपको मोर पे क्लिक करना होगा। इस मोर पे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको अपना स्टेट को सेलेक्ट करना होगा, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। आपका स्टेट ऑलरेडी सेलेक्ट होके आ चुका है। अब यहाँ आपको RTO सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ आप अपना जो भी आपका RTO लगता हो वह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करते हुए सिंपली प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देंगे। इतना करते ही ये आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ आपको एक जो सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं उनकी पूरी एक टैब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहीं पे आपको मोबाइल नंबर अपडेट आधार बेस्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने एक लिस्ट शो हो जाएगी, जो जिस स्टेट में ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल है उन स्टेट्स की यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी और आप अपना स्टेट को यहाँ पे देख लेंगे। देन इसके बाद आपका स्टेट इस लिस्ट में है या नहीं है ये आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका स्टेट इसमें है तो आप सिंपली यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन को फिल करना होगा, जैसे कि यहाँ आपको अपना जो व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, यहाँ चेसिस नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा, यहाँ इंजन नंबर आपको फिल करना होगा, इसके बाद किस डेट में आपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराया है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, एंड इसके बाद आपका जो फिटनेस वैलिड है, कब तक आपके जो रजिस्ट्रेशन जो RC है वो कब तक आपकी वैलिड है वो यहाँ पे फिल करनी होगी। देन इसके बाद आपको शो डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। शो डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने कुछ और ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, जैसे कि आधार नंबर यहाँ एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ आपको एंटर नेम एज रजिस्टर्ड इन आधार, जो आपके आधार में नंबर आपका जो नेम है उसको यहाँ पे फिल करना होगा। देन इसके बाद जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर है उसको यहाँ पे फिल करना होगा। इतना करते ही आपके सामने इस तरह से डिटेल्स शो हो जाएगी। आपका जो पहले मोबाइल नंबर लिंक है वो ये है। अब आप जो है अपना नया मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देंगे।
इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पॉपअप के फॉर्म में एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि मोबाइल नंबर हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी आपका जो मोबाइल नंबर है वह सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब आपको सिंपली ओके कर देना है। अब आपका जो मोबाइल नंबर है वह अपडेट हो जाएगा और आपको इसके लिए एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर पे मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।